नैब सिंह सैनी यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनका प्रोग्राम है वे जो इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगाई थी उसका कड़ा दी सुना रहे हैं। लेकिन ये खुद काले हैं, काले कानून लाने वाले, देश को बेचने वाले, रेता चोर यू सारे इस पर केस लग रहे, यू भी क्या काला दिवस मना रहा है बता। हमने पहले कई बार बना चुके हैं प्रोग्राम, हम भर थे, लेकिन आज आन देती चाहता हमने चाहिए नहीं, आज आर पार की लड़ाई होगी। आरकेएसडी कॉलेज कैथल में शुक्रवार साय को जैसे ही किसानों को सांसद नायब सैनी के पहुंचने की सूचना मिली, वे सांसद नायब सैनी का विरोध करने के लिए कॉलेज के गेट के सामने पहुंच गए। किसानों ने सांसद के पहुंचने से पहले ही गेट के सामने धरना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने किसानों को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में बैठाकर ले गए। भाकियों के जिला अध्यक्ष होशियार सिंह को पुलिस धक्के मारते हुए ले गए। इस दौरान होशियार गिल व पुलिस के बीच तूतू मैं भी चलती रही। पुलिस विरोध कर रहे किसानों को पुलिस बस में बैठाकर थाने ले गई। इसके बाद सांसद नायब सैनी आरकेएसडी कॉलेज पहुंचे, कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि सांसद नायब सैनी आरकेएसडी कॉलेज में 26 जून को एमरजेंसी के 46 वर्ष पूरा होने पर काला दिवस मनाने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 46 वर्ष पूर्व आज के ही दिन लगाई गई एमरजेंसी को काला दिवस बताया। आज हमने पता लगा था अभी नैब सिंह सैनी यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनका प्रोग्राम है वे जो इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगाई थी उसका काला दी सुना रहे हैं। अरे वो तो लगा दिया था, चलो उसका भी हम प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन ये खुद काले हैं, काले कानून लाने वाले, देश को बेचने वाले, रेता चोर यू सारे इस पर केस लग रहे, यू भी क्या काला दिवस मना रहा है बता, कौन सा तरीका है। हमने पहले कई बार बना चुके हैं प्रोग्राम, हम भर थे, लेकिन आज आन देती चाहता हमने चाहिए नहीं, आज आर पार की लड़ाई होगी, काले झंडे दिखाएंगे। बिल्कुल पहले कई बार ये चोरी छुपे प्रोग्राम करते हैं और CID हमारे पास पूछते हैं क्या प्रोग्राम है जी, और फिर जिनका पूछा है बकाया जानी नहीं जी, नहीं जी पछ है लीला राम ने को उड़ा प्रोग्राम करना था CVM में जी, बोले ना जी वो तो लीला राम तो मना करके DCSP करेंगे, फिर उस पर करवाएंगे, प्रशासन भी मिले हुआ है। जैसे कि हमको सूचना मिली कि MP साहब का यहाँ पर दौरा था और चार किसानों ने वहाँ पर विरोध किया। हमें पता चला, मैं होशियार सिंह नरेंद्र और देवीदयाल सोंगर से और साथ में मैं था, हम चार आदमी थे। जब मैंने पता चला भाई नायब सैनी आरकेएसडी कॉलेज में आ रहा है, तो हम काले झंडे लेकर वहाँ पहुँचे, वहाँ विरोध किया तो पुलिस ने हमें ज़बरदस्ती उठाकर बस में डाल दिया और बस में उठाकर यहाँ ले आई पुलिस, और हमने लाइव हो या कॉल करी तो किसान साथी 10 मिनट में देख ली इतनी संख्या पहुँच गए यहाँ जी। तो मतलब आप चारों को उठा कर लाए यहाँ, पहला ये साथी है कि मैसेज पे इतनी देर में इकट्ठे हो गए किसान इतने जी। बता दें कि चार किसान सांसद का विरोध करने के लिए पहुंचे थे और उस विरोध का सामना जो है पुलिस बल वहां पर मौजूद थी और विरोध करने वाले किसानों को जो है बस में डाला गया और थाने में लेकर के उनको आया गया। CT थाना में हम इस समय मौजूद हैं उन चार किसानों को समर्थन देने के लिए। जैसे ही किसानों को पता चलता है तो अन्य किसान भी यहां पर मौजूद हो जाते हैं और अभी और भी किसान आसपास के गांवों से किसान जय किसान जो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे आज हमारे जो जिला के प्रधान है होशियार सिंह जी, उनको पता चला कि यहाँ पे नायब सैनी का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे ये विरोध करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही इनको पता लगा ये चार बंदे इनके साथ होड़ दे पांच दे,
इन्होंने जाके वहाँ पे नारेबाजी की, वहाँ पे जो प्रशासन था इन्होंने गिरफ्तार करके ले आके यहाँ सिटी थाने में उनको बिठा दिया। और ये सरकार का जो इतना घटिया रवैया है, इन्होंने जो मतलब ये पुलिस प्रशासन का आम पब्लिक में थोड़ा बहुत भय था ना, उसको भी ख़त्म कर रही है। क्योंकि रोज का गुड्डा गुड्डी वाला खेल है, कभी किसी को पकड़ ले लेते हैं, छोड़ लेते हैं। अगर इनमें इतना ही दम है, ये किसी बात पे स्टैंड तो ले। जब तक ये लड़के अरेस्ट क्यों किए गए पहले मैं ये पूछना चाहूँगा। तो अरेस्ट कर भी लिए, फिर जनता आने लग रही है, जनता आ भी गई और जनता इतनी आएगी कि बहुत ज़्यादा आदमी आएंगे। चंडीगढ़ तो कल जाना है उनकी, रात को थाना में रोको उनको, सवेरे छोड़ दियो, नहीं तो पूरा पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट आने लग रहा है। फिलहाल किसानों के द्वारा जो दी गई चुनौती है वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं सर दर्द का विषय बन सकता है। शासन और प्रशासन को भी यहाँ पर जो है चुनौती यहाँ पर दी जा रही है कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर किसान मौजूद है। और कहना ये भी है कि अभी और भी धीरे धीरे किसान आना शुरू हो चुके हैं।